भाई गई तो उसके पीछे ही हुआ है ना, उसके पीछे गई है। अरे वाह वाह उड़ लग रही भाई साहब, किसी छत पर उड़ा। अरे क्या री, यो यो रा भाई, यो यो री भाई। तो दूसरे भाई दूसरे गांव में आ चुके अपनी लोकेशन पे। इस गांव की खासियत मैं आपको बता दूं कि हमने ये गांव क्यों चूज करा। इस गांव में भाई सबसे ज्यादा कबूतर पाले जाते हैं आस पड़ोस में। इतने छोटा सा गांव है पर कबूतर आपने बाज बहुत मिलेंगे, थोड़े बहुत हम रास्ते में आपने दिखा देंगे। ये तो बैठेगा, ये मैंने देख लिया इसका ढंग, ये तो आ नहीं पाएगा, शायद कबूतरी आ जाए क्योंकि वो आसमान की तरफ गई है। ये थोड़ा झाड़ पे था पर अब ये घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे कबूतर पाले हुए हैं। एक कबूतर यहाँ पे बैठा हुआ है। रुको 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 रुको, इब रुके गए हो तो सब्सक्राइब मार दे मेरे यार, क्योंकि कबूतर बाजी प्लस मजे लव बर्ड्स एंड पिजन से मिल सके मेरे भाई। हाँ और घंटा मत दबाना बोलियो, कि घंटे ही बना के यार आजकल। राम राम सारी मेरी फैमिली को, सारे भाइयों को राम राम भाई की तरफ से। तो भाई छत पे हूँ, सुबह का टाइम हो रखा है, एक नंबर का मौसम हो रखा, मतलब फील कर सकते हैं आप लोग भी, महसूस करो भाई। सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का। आज थोड़ा लेट भी होगा लेकिन अभी ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। अपना जंगली वाला बच्चा देखो, ये रहा, दिखाता हूँ आपको, ये देवीद्वार है भाई। आज का जो टॉपिक है वीडियो का, सबसे हटके है भाई, सबसे हटके। तो हम ऐसी कुछ चीज़ करने वाले हैं जो यूट्यूब पर किसी ने की नहीं है। हम एक कबूतर तो देख, पहले तो अपना ये डिब्बा तैयार करा है, ठीक है, वीडियो की पूरी तैयारी में है। भाई को एक भाई को फोन कर दिया, वो भी वहां पे मिलेगा, पूरी मतलब मस्त वीडियो बनने वाली है। ये आया जंगली वाला बच्चा, ये देखो ये आया। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो करने क्या वाले हैं भाई, ये सुन लो, हम लेके जाएंगे एक पकड़ा हुआ कबूतर और एक लेके जाएंगे अपना पुराना, बहुत पुराना कबूतर भाई, कई साल पुराना कबूतर। वो कबूतर, दोनों कबूतरों को कहीं दूर ले जाएंगे भाई, दूर दूर दूर, मतलब बड़ी दूर से आए हैं, वो वाला सीन करने वाले हैं। तो लेके जाएंगे उसको, वहां से उस गांव से उड़ाएंगे। ये देखना है कौन सा कबूतर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा पहला आएगा, पुराना वाला पहला आएगा या फिर जो अपना पकड़ा हुआ कबूतर वो आएगा। ये चीज़ देखने वाली बनने वाली है, या क्या पता दोनों ना आए, नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई आपको सब्सक्राइब मार के करना पड़ेगा चैनल। तो रिस्क उठा रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब मार देना, ठीक है भाइयों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ के जा रहे हो वीडियो पे, ठीक है। तो कबूतर फिलहाल आपको दिखाऊंगा नहीं, वहीं पे आपको बीच से मैं वीडियो में दिखा देंगे कबूतर जब बातचीत होगी। तो मिलते हैं भाई वहीं पे। तो दूसरे भाई दूसरे गांव में आ चुके अपनी लोकेशन पे। इस गांव की खासियत मैं आपको बता दूं कि हमने ये गांव क्यों चूज करा। इस गांव में भाई सबसे ज्यादा कबूतर पाले जाते हैं आस पड़ोस में। इतने छोटा सा गांव है पर कबूतर आपने बाज बहुत मिलेंगे, थोड़े बहुत हम रास्ते में आपने दिखा देंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे। एक तो देखो ये बैठा छत पे, कड़ा छोटा गांव है, उन्होंने समझ लो भाई। देखो पाचे जितने वीडियो चालू करी थी ना, उड़ी तो चालू था, अरियाडा खत्म है। मैंने एक कबूतर तो ये दिखा दिया, अभी और कबूतर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है भाई। हमने तो मान लो कबूतर बाजाई छाता है, चप्पा चप्पा फेरा, कड़ा कड़ा लग रहा है डाकी, एक यार्ड ले रहा भाई, एक गली में, गली में अभी दिख जाए शायद दो पीस। आराम से टाइम है भाई, सुबह सुबह का टाइम है, तो शायद कबूतर बाज कबूतर ना खोले पाए, लेकिन कई जने हो हैं लट्ठे। ये रे दे, ये खुल रहे, खुल रहे भाई, कई आ, कई आ, मैं बताऊं, देखो भाई कई जने लट्ठे हो यार है, जो सुबह सुबह खोल के बैठ जा रहे हैं। हमने मतलब अटकई होगी, हम भी सुबह सुबह कबूतर लेकर आना, ठीक है। एक और कबूतर बात दिखाऊंगा भाई, आड़े से छतरी पर ले रहा, जहां तक मैंने आया था कई साल पहले आया था मैं आड़े, इस साइड दिखाइए, इस साइड, जहां तक भाई कई साल पहले आया था मैं, जब तो था अभी आना चाहिए शायद भाई साहब, गांव का एंड तो हो लिया भाई, गांव का एंड तो हो लिया, लेकिन हां भाई साहब चाहे तो रोड के पास में था शायद, मेरे ख्याल से तो पहुंच चुके भाई अपनी लोकेशन पे, इस डब्बे का फिरते एक बार और राज लेकर, डब्बे में है खजाना। अरे बहुत रिस्की वाली बात है, तो सारे भाई यहाँ रिक्वेस्ट है, इतना रिस्क उठान लग रहे हैं, अपना टाइम वो कर लग रहे हैं,
यो भाई किधर रोज की रोज नींद खराब कर दियो है सुबह सुबह आके भाई एक एक बार देख लो देख लो ठीक है पर लेकिन भाई की मेहनत के लिए भाई इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना संजू गुजर व्लॉग्स के नाम से चैनल है बाकी कमेंट्स में मैं लिंक दे दूंगा चैनल की अपनी वीडियो आज फिर आएगी मेरे हिसाब में तो ठीक है जाके देखना एक नंबर की वीडियो है भाई हंसी मजाक पूरा गली में बैठा दिया ना हम सारे भाई आगे वीडियो भाई व्लॉग व्लॉग अगर तुम पसंद करोगे तो भाई मेरे चैनल में मिल सके अरिश खजाने का रास्ता उन्हें फिर तभी अलग जगह ही अरे मैंने लग गया हम कल अपने पीछे पीछे हो रहा कि धड़ मार गिर गिर गए ना हमें बता दे तड़के जिम मार का रहे हैं कल कौन सी चेस्ट ट्राई की भी पंप हो रही है चेस्ट में तो वाका पील दो नहीं ना वो रहा कबूतर एक बहुत बड़ा कबूतर ठीक है तो सब्सक्राइब मार देना यार चैनल को ये रिस्क बहुत है भाई लाइक कर दिया करो भाई लाइक कर दिया लाइक कर दे वही तेरा आवे सारी देखो भाई सुबह सुबह आ रही गति 7 बजने ना हो रहे मेरी हालत है तो भाइयों करते हैं शुरू आपको कबूतरों का शौक करवा देता हूं पहले तो पहले निकालते हैं जो पकड़ा हुआ कबूतर है ना भाई वो जो मतलब है ना संजू मैं बताऊं भाई मतलब पकड़ा हुआ कबूतर यानी कि दूसरा जो कबूतर दूसरे लोग पाले वो एक छत पर आकर बैठ जा गई है वो कबूतर है तो सोच के देख ले कितनी रिस्क की बात है रिस्क तो है इसमें यो ना तो अपने घर का है ना हाँ। कुछ और तो इसका बहुत रिस्क है तो इसका शौक करवा दूं भाई मैं आराम ये देख यो है भाई अरे वाह भाई मद्रासी नस्ल का है कबूतर बहुत बढ़िया नस्ल का है पर पाल अपना अपना ना दिक्कत यह है पालतू ना मतलब पालतू तो है लेकिन पकड़ा लेकिन पकड़ा हो अपनी छत का इतना पक्का ना हो रहा कबूतर यो ठीक है ये कबूतर है भाई साहब छोटा सा बच्चा ही हालांकि झाड़ पे भी है चांस बहुत कम है पर देखें जो भी होगा आपके साहब के साथ शेयर करेंगे दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब ये भाई अपनी घर की पुरानी बहुत पुरानी कबूतरी बहुत पुरानी है बहुत पुरानी कबूतरी कई साल पुरानी अपनी घर की बच्ची है जैसे ये बच्चा है ना ये भी बच्ची हुई थी अपने घर पे अच्छा ये स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से बिल्कुल एक नंबरी कबूतरी है भाई साहब बहुत कीमती है बहुत महंगी कबूतरी है भाई इसी नस्ल बनाने थी मतलब लोगों ने मिलती भी कोई ना ऐसी कबूतरी है चपटा सर है बिल्कुल पीली आखाई कबूतरी है अरे तू ना छोड़ा है अरे यार की करा इन भैया थी थोड़ा एंटरटेनमेंट भाई देख लो लाइक कर दिया करो सारे भाई अपने बढ़िया मेरा लाइक मानना यार थोड़ा रिस्क उठाला यूट्यूब पे बकचोदी पहले जा बाढ़ के तो कुछ अलग ना दिखा कुछ अलग दिखा अलग दिखाऊ थोड़ा भैया ने इस कारण थोड़ा है भाई तुस्ते देखो भाई सारे भाई जितने भी देखो ना भाई सारे सब्सक्राइब बटन गए ना लड़ाई कर लियो एक बार बढ़िया वाली ठोकम ठोका पिटम पिटा ठीक है उल्टा बस समझ लियो नो उल्टा एक बार क्लिक कर दियो ना दो बनी ठीक है तो भाई इसने काट लिए है दोनों कबूतर इबुनो उड़ा होगा तो पहले भाई इसको उड़ाते हैं पकड़े ना ना पहले इसको उड़ाऊं यार क्योंकि पहले इसने उड़ा लिया इसके देख हम देख के आप बताइए इसके पीछे चला जा ठीक है तो पहले इसको बिल्कुल को उड़ाते हैं भाई पहले इसने उड़ा लिया भाई फिर देखो इसके पीछे जावे कि नहीं जावे तो भाई अब इसको उड़ा रहे हैं वो तो उड़ा दिया भाई वो तो उड़ा लिया वो जा रही है वो तो आई पीछे गया क्या होगा आप उड़ रही है दिखा दो कैमरे में बड़ा होता हां हां दिखा दी भाई ठीक है अब इसके पीछे पीछे भाई इसने भेजे हैं ठीक है रुक जा स्लो तो भाई साहब
भाई गई तो उसके पीछे ही है ना, उसके पीछे गई है। अरे वाह वाह उड़ लग रही भाई साहब किसी छत पर उड़ रहा है। यो यो रा भाई यो यो रे भाई ठीक है तो चला। तो भाई देख लो रोड पे खड़े हैं थोड़ा वॉइस वॉइस की भी दिक्कत होता है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लियो सारे भाई मिलकर। इस पेटी का राज एक नंबर का है ठीक है भाई। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कम कर दियो भाई। एक तो ये घूम रहा है भाई यहाँ पे, ये देखो ठीक है जो तेरा वो है वो नीचे वो काले कुंदों का वो है, ये देखो यहाँ पे ये रहा भाई, ये तारों के पास में ये दिख रहा होगा आपको ठीक है। वो दूसरे वाला गायब हो गया, पता ना कहाँ पे भाई गांव का वो देखो, घर पे देखो कितनी बड़ी हवा बना रखी है देखो भाई, चिड़िया बिड़िया ठीक है भाई। ये तो इस गांव में रह लिया मेरे ख्याल में, ये ना आ पावे, ये तो नीचे नीचे ही घूम रहा है। ये देखो अपनी साइड आओगे चिड़िया के ऊपर से देखना ठीक है भाईयो, देखते हैं अभी सीधा सीधा आ तो रहा था बाकी। ये देखो ये वहाँ पे घूम रहा है शायद, इसको कबूतर वगैरह दिख गए तो गड़बड़ हो गई पूरी वाली, क्योंकि ये मेरे सामने ये नहीं आ पाएगा। ओहो वाह कबूतरी भी वारी रे संजू, वारी आसमान में वाह दिख गई मन दिख गई, देवारी आसमान में है बहन, चलो रह गए बहन तो यहाँ पे रह गए भाई गांव में, भटक गए कबूतर। तेरा भाई काले कुंदो वाला बिल्कुल टैट के ऊपर है, लेकिन ये बहुत नीचे हो रखा कबूतर, कबूतरी भी ऊपर आसमान में गोल हो रखी है इसी जगह पे जहाँ पे छोड़ी थी अपने ठीक है। बाकी ये तो बैठेगा, ये मैंने देख लिया इसका ढंग, ये तो आ नहीं पाएगा शायद कबूतरी आ जाए, क्योंकि वो आसमान की तरफ गई है। ये थोड़ा झाड़ पे था पर अब ये घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कबूतर पाले हुए, एक कबूतर यहाँ पे बैठा हुआ किसी का ठीक है भाई साहब। हाँ तो मुश्किल बात है भाई, मुश्किल बनेगी बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, देखी जाएगी। हाँ भाई संजू कुछ कहना चाहोगे आप लोग? मैं तनु कहूँ मेरी हालत ही हो ना, इससे मारे रुक रहा क्योंकि अड़े ना रियान पाल रखे ना छत पे देख लियो ना कबूतर का पत्थर वो तो है यार, उससे गल बैठ गया होगा, अपना एरिया ना ढूंढ पा रहा, यो एरिया ना ढूंढ पा रहा है। दूसरे वाले की तो फिर भी हम थोड़ा मोटी सी कह सके हैं, क्योंकि वो ऊपर हो भाई, वो तो दिखता भी कौन आसमान में होता है, वही थोड़ी देर पहले दिखा थी वाह, कदर गलत डायरेक्शन पकड़ेगी हो परली वाली घूमे थी। एक भाई देखो कबूतर देखते रहोगे तुम इस गांव में, नरे कबूतर पा रहे हैं भाई, ये देखो यो तो नीचे नीचे जब का एक के जगह गोल हो रहा है मदराशी ठीक है, यो मेरे ख्याल तो परली का यो बैठेगा, यो तो बहुत मुश्किल है भाई इसके तो। मैंने तो भाई गड़े कम चांस है, वारी रे वाह कबूतरी वारी रे संजू, जितू नु नहीं कहता उड़े थे कबूतर, अरे ये फटक रे यार कबूतर, वो उनमें गोल हो रही है भाई, वाह गलत दिशा में गोल होगी भाई, वाह गलत दिशा में गोल हो रही है, यो यहाँ पे गोल हो रहा है भाई। 10 years later भाई साहब गजब हो चुका है, अभी छत पे आया था मतलब दाना पानी गिरने 10 बज रखे करीबन करीबन ठीक है। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप, एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, दिख रहा होगा शायद 9:43 हो चुके हैं, ब्राइटनेस पूरी है, ये थोड़ा धूप की वजह से शायद नहीं दिख रहा। हाँ ये देखो ठीक है भाइयों, जौन सा बच्चा बिल्कुल नीचे नीचे घूम रहा था ना, वो बच्चा ही सबसे पहले आया है पकड़ा हुआ, जो बच्चा पकड़ा हुआ था, और मेरी जो कई साल पुराने वाली कबूतरी है भाई उसका कोई पता नहीं है अभी तक, तो फिलहाल छत पे आया हूँ ठीक है। ओह ये किसका बच्चा आ गया, ओह ओह 10 years later भाई जल्दी जल्दी चलो। तो जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, अभी भाई सुबह के अपने कबूतर उड़ रखे थे, ये कबूतरी अब आई है भाई, टाइम भी दिखाता हूँ आपको किस कंडीशन में बैठेगी, ये चीज़ चेक करना। बाकी ये देखो ये बैठी आई, ये कबूतरी मैं आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में बैठेगी, अब आके बैठी है ये, मतलब आई छत पे अभी, मतलब अपने एरिया में अभी आई है, ये कंडीशन पूरी फ्रेश है भाई साहब। मैंने तो नीचे से देखी ना उड़ती उड़, क्योंकि हम कबूतर उड़ मैं उड़ा के जा रखा था, सुबह के उड़ रहे हैं अपने कबूतर ठीक है। तो ये देखो ये आई है भाई, कंडीशन पूरी इतनी वो रखी है, मतलब ज़्यादा कंडीशन ख़राब भी नहीं है, सही कंडीशन है ठीक है। इसके वहाँ पे वो बैठा हुआ वो बच्चा जो छोटा था वो पकड़ा हुआ, अरे ये पुरानी कबूतरी आई है भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये आएगी, टाइम दिखाता हूँ आपको किस टाइम आई है ये ठीक है, टाइम दिखाती है 3:17 ठीक है भाई, दिख गया होगा लेकिन थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, 3:17 हो चुके भाई ठीक है, कबूतरी बैठी है कंडीशन में बढ़िया है, लेकिन 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 एक चीज़ और बतानी है आपको, पहले एक बार कंडीशन देख लो अच्छे से, ये आई है भाई
छत्ती तो और पर तो इसने नीचे कर रखे है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि मतलब किसी छत पे गिर जाती वगैरह वगैरह। मेरे को उम्मीद तो थी इस पे पानी पे आएगी। अब ये देखना, ये देखो आ जा, ये आ गई पानी पे आई है। इसका मतलब ये ना तो कहीं बैठी थी डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी बढ़िया नस्ल की कबूतरी है, पुरानी 3-4 साल पुरानी कबूतरी है, ठीक है, तो मैं क्या आ ही जाएगी। लेकिन मेरे को क्योंकि बहुत दूर छोड़ के आए थे भाई, बहुत दूर, कई किलोमीटर, ठीक है। बाकी सुबह के कबूतर अपने चल रहे हैं, देख लो अपन थोड़े और उड़ा दिए थे आके। ये देखो भाई, ये वाला है जो सुबह आया था सबसे पहले, ये इसको टाइम भी नहीं हुआ है पकड़े हुए ज़्यादा, आ तो गई भाई साहब, ठीक है। मैं तो भाई कुदरती नीचे खड़ा था कबूतरों को देखने के लिए, देखना आ जा, गेट को भी खोल देता हूँ अंदर ही, चलिए चलिए जाइए आ जा, ये देखो आ जा, ये आ गई भाई। वही है देख लो कहीं, ये सोचो कि मतलब दूसरी है, वही है, ये देख लो, जा भाई चली गई, ठीक है, बढ़िया काम हो गया, आ गई है। अरे वो कबूतर लड़ने लग गया। आई होप भाई सारे भाइयों को बहुत मजा आया होगा वीडियो में, अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना जो विजेता कबूतर है भाई वो पकड़ा हुआ कबूतर ही है भाई, चाहे कैसा भी हो, उड़ान में भलाई उससे कम था लेकिन पहले आया लोंडा और बिल्कुल नीचे नीचे घूम रहा था, मेरे को उस पर कोई उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएगा, लेकिन पहले आया भाई, मतलब दिल में जगह बनाई है लोंडे ने, ठीक है। तो मेहनत लगी भाई बहुत, पूरे दिन के छत पे हैं देख लो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना मेहनत के लिए, ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, दूसरा पार्ट बोलोगे सेकंड पार्ट बनाएंगे, कहीं और से और दूर जाएंगे, अब की बार दिल्ली वगैरह साइड जाएंगे, अब की बार तो हम पंजाब के साइड गए थे, हरियाणा के, मतलब दूरी हरियाणा से लेके जिस पंजाब के अंदर जाते हैं ना उस रोड पे, तो मिलते भाई।